आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। तो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक ही फर्क है कि डिस्टिलेशन में ये जो फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर था ये यूज नहीं हो रहा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर यूज हो रहा है। ये एक ऐसा मैथड है जिसमें हम मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स को ऐसी मिक्सचर जिसमें बहुत सारे लिक्विड होते हैं उनके टेम्परेचर का डिफरेंस 25 डिग्री केल्विन से कम होता है उन लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर हवा का एक मिक्सचर है उसमें बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए पहले हमें लिक्विफाई करना पड़ेगा। जब हवा के ऊपर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर लगाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे उसका तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी लिक्विड एयर को हम भरेंगे इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर तो इसको कनेक्ट करेंगे ऊपर से फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर के साथ। जब ऊपर हम इसको थर्मामीटर लगाया हुआ है इसके अंदर लिक्विड एयर है, इसके अंदर लिक्विड एयर बनी हुई है तो इसको जब हम हीट करेंगे तो अलग अलग गैसेस का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है तो उसी के हिसाब से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे ऊपर होगी, अलग अलग लेयर्स बनाएंगे। ठीक है, तो जो जो हम टेम्परेचर लाते रहेंगे यहाँ पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ऊपर जाएगी तो फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर से होती हुई ये जाएगी कंडेंसर के जरिए। यहाँ से हम अलग कर सकते हैं किसी भी गैस को जो हवा में है। सो फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर का काम सिर्फ यही है कि जो बाकी की एयर जो बाकी की हवा के अंदर जो बाकी की गैसेस होती हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट उस गैस के मुकाबले में ज़्यादा है उसको वापस कंडेंस करके वापस भेज देना नीचे तो यहाँ से वही गैस गुजरेगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा और वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से कंडेंसर का काम होता है कंडेंस करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना और यहाँ से हम उस गैस को लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से बारी बारी हम सभी गैसेस को हवा से कलेक्ट कर सकते हैं इधर से टेम्परेचर बढ़ा के क्योंकि इधर से थर्मामीटर भी हमने लगा रखा है। सो ये था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।